ये 420 नहीं है, ये 840 है। क्योंकि इन्होंने कहा कि 100 में 4 ही बेरोजगार हैं। बताओ 100 में 4 बेरोजगार हैं क्या? कोई कल्पना कर सकता है? इन्होंने जो सरकारी बजट पेश किया उसमें कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.2% है। ऐसा लगता है कि 100 में सबको नौकरी मिल गई, केवल ही 4 बेरोजगार हैं। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? न केवल यहां झूठ बोला उन्होंने, बल्कि यह भी कह दिया कि आय दोगुनी हो गई, प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो गई। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने अपने अधिकारियों की केवल गिन ली प्रति व्यक्ति आय, जो तहसील में बैठते हैं, जो थाने में बैठते हैं, उनकी तो आय बढ़ी है, लेकिन आम जनता की आय नहीं बढ़ी। कोई कल्पना कर सकता है कि सरकारी आंकड़े ये कहें कि प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो गई? और यहीं तक भारतीय जनता पार्टी वाले भी रुके, उन्होंने कहा कि हमारी ग्रोथ रेट आज 16% है। अरे अगर 16% रेट ग्रोथ रेट होती तो पूरे उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस में बंदे दिखाई दे रहे होते, फैक्ट्रियां लगती दिखाई दे रही होती, मेडिकल कॉलेज लगते दिखाई दे रहे होते, नए नए स्कूल बनते दिखाई दे रहे होते। अगर 16% की ग्रोथ रेट होती और 16% की ग्रोथ रेट होती तो हमारे किसानों की अपनी पैदावार की भी कीमत दुगनी मिल रही होती। अगर 16% होती और क्या कह रहे हैं कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, एक ट्रिलियन इसलिए बोल रहे हैं कि गरीब समझ ही नहीं पाए कि ट्रिलियन क्या है, और जब तक समझे तब तक इनसे वोट ले ले। बताओ कितने लोग जानते होंगे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी क्या है? और जो झूठ बोला है उसको सच बनाने के लिए अमेरिका की कंपनी बुला ली और उसको 200 करोड़ रुपए दे दी। बताइए भारतीय जनता पार्टी के लोग, सरकार में बैठे लोग, जो झूठ बोल दिया है उसको सच बनाने के लिए अमेरिका से 200 करोड़ की कंपनी बुला ली। इसलिए हमें और आपको सावधान रहना पड़ेगा। यहाँ जो कुछ विकास हुआ है वो समाजवादियों ने किया है, और जो कुछ विकास होगा वो समाजवादी कराएंगे। और हम भरोसा दिलाते हैं जिस तरीके से समाजवादी लोगों ने सबको जोड़ा है, हमें उम्मीद है कि हमारे नेताओं कार्यकर्ता सब लोगों को इसी तरीके से जोड़ते रहेंगे, क्योंकि समाजवाद से ही राम राज्य आएगा। और जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तब तक न समाजवाद आ सकता है न राम राज्य आ सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।